हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो देखिए पारिजात में कितना ज़्यादा फ्लावरिंग हुआ है, और देखिए मैं क्या काम करने आई हूँ, चलिए आप लोग से दिखाती हूँ। इधर देखिए, ये ओनियन में एक दिन चना डाल गई थी, शायद आप लोगों के सामने ही डाली थी इस वीडियो को बनाने वाले दिन। और देखिए इसमें एक शिमला मिर्च लगा हुआ था, तो मैं अभी इसको तोड़ दी, क्योंकि अभी से ही शिमला मिर्च फ्रूटिंग करेगा तो इसका ग्रोथ नहीं होगा। और इधर देखिए ये राजमा लगा हुआ है, और ये राजमा का फर्टिलाइज़र मैं डाली थी, उसी में से एक राजमा गिर के ये पौधा निकला था। मैं हमेशा वीडियो में आप लोगों को बताती हूँ। और देखिए कितना अच्छा इसका फ्रूटिंग हुआ है, बहुत सुंदर लग रहा है। देखिए ऐसा लग रहा है कि ये सेम है, लेकिन ये राजमा है। तो आप लोग भी लगाइए ज़रूर, राजमा बहुत अच्छा होता है, कभी कभी खाना चाहिए, प्रोटीन आयरन सब इसमें रहता है। और देखिए ये आज भी मैं लेकर आई हूँ, मैं जा रही थी उबालने, तो मैं सोची कि पहले आप लोग से एक वीडियो बना दूँ, और वीडियो का फर्टिलाइज़र का तो रिज़ल्ट दिखाऊंगी ही, पौधा का भी रिज़ल्ट दिखा दी। देखिए बस कुछ नहीं करना है, इसमें पानी मिक्स करिए और डालिए, ब्रोकली में भी डालूंगी, बहुत अच्छा है। और देखिए दो चार राजमा मैं लगा भी दूंगी आप लोग को दिखा के, ये अगर निकल जाए तो। यही सब मेरे घर ज़्यादा यूज होता है, जैसे बीन्स, ब्रोकली, कॉलीफ्लावर, लेडी फिंगर, यही सब ज़्यादा, कैप्सिकम और ये परवल, ये सब ही ज़्यादा यूज होता है। तो देखिए मैं वेजिटेबल में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखती हूँ, क्योंकि वो सब चीज़ मैं हमेशा हर सालों में नहीं उगा पाऊँगी, लेकिन जो निकलता है उसको लगा देती हूँ। अब एक करेला है, ये घर के सीड से ही निकला है, तो लगा देती हूँ, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट फ्लावर में ही ज़्यादा रहता है। और बहुत सारा फ्लावर का प्लांट हो गया है, चलिए दिखाती हूँ, इसमें भी थोड़ा डाल देती हूँ। और देखिए और भी बहुत सारा काम की हूँ, इधर लाइन से मेरे परमानेंट फ्लावर लगे हुए हैं। अभी मैं पानी डालने ही आई हूँ, अब ये राजमा का ही पानी डालूंगी, ये ज़्यादा हानि नहीं करता है। देखिए ये सब सूखा हुआ है, यहाँ लाइन से मेरा ये प्लांट लगा हुआ था। तो देखिए ये सब्जियाँ में धूप नहीं लग रहा है, तो मैं कहाँ ले गई, चलिए दिखाती हूँ। ये भी मेरा एक कटिंग था, जो मैं कुछ दिन पहले ही इसका वीडियो आप लोग के सामने डाली थी। ये आंगन में सिर्फ बड़ा बड़ा हो रहा है, पहले तो खूब फ्लावरिंग किया, लेकिन जब से धूप कम हुआ है फ्लावरिंग नहीं कर रहा है। और देखिए मैं सारा अपना ये परमानेंट फ्लावर को कहाँ ले आई, देखिए ये सारा मोगरा प्लांट है मेरा, जो डोरमेंसी में गया है, पांच प्लांट है और तीन चार कटिंग भी ग्रो हो गया है। देखिए एक यहाँ भी है, और ये सुलेसिया का प्लांट है, इसको कटिंग कर दी थी, इसमें फ्लावर फिर से आने लगा। देखिए तो सारे प्लांट को मैं इधर लाई, क्योंकि ये पूरा और पश्चिम मिला के दोनों काफ़ी धूप आता है दिन भर। देखिए बहुत अच्छा कर दी मैं, और यही सब काम आज की हूँ, क्योंकि इसमें फ्लावरिंग होगा या नहीं होगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सब्जियों को प्लांट में भी धूप नहीं लगने देता है, और मैं इसमें भी फ्लावरिंग करवाऊंगी। देखिए और इस पौधा के ग्रोथ से ही आप लोग समझ सकते हैं कि मैं कितना मेहनत की हूँ इस तीन चार साल में। और चैनल तो मेरा दो साल पुराना ही है, लेकिन मैं तीन चार साल से मेहनत कर रही हूँ, 2020 से मैं मेहनत कर रही हूँ पौधा में। ऐसे मैं कुछ सूप प्लांट पहले रखती थी, और देखिए कोई भी पौधा का मेरा ग्रोथ आप लोग को स्टैम्प से ही पता चलेगा। देखिए और कोई ये नहीं मैं बोलूँगी कि 18 साल 20 साल का है, सब मेरा तीन से दो साल पुराना, और सब कटिंग से ही ग्रो की हूँ। तो देखिए ओलियंडर तो मैं अभी एक साल पहले ही लगाई थी, ये देखिए मधुमालती भी एक साल पहले लगाई थी, अलमंडा भी एक साल पहले लगाई थी, लेकिन देखिए इन सब का ग्रोथ मैं दिखा रही हूँ। तो सारे परमानेंट फ्लावर को मैं कर दी, और जितना प्लांट अभी मैं यहाँ रखी हूँ उतना प्लांट मेरा आंगन में है, तो कितना मैं वेजिटेबल का केयर कर पाऊँगी, अकेले ही गार्डनिंग करती हूँ, बच्चे मेरे पढ़ते हैं, कुछ बाहर भी पढ़ते हैं, तो मैं नहीं कर पाती हूँ। और देखिए इधर ले आई हूँ, और अकेले मेरे लिए इतना प्लांट काफ़ी है, और जितना यहाँ है लगभग नीचे भी है। देखिए कुछ बैगन वैगन लगाई हूँ, क्योंकि अब किचन गार्डनिंग करने का भी थोड़ा सा मन है, लेकिन मैं अपने हिसाब से ही लगाई हूँ। और देखिए ये शिमला मिर्च तो मैं तोड़ी थी, और देखिए ब्रोकली काफ़ी अच्छा चल रहा है। और अभी मैं क्या करने वाली हूँ चलिए दिखाते हैं। और इधर साफ़ सफाई तो एक दिन गैप दे के करना पड़ता है, तो वही मैं करूँगी, और इधर ही रखूँगी मैं विंटर फ्लावर को, एक छोटा सा गार्डन बनाऊँगी विंटर का। अभी मेरे काफ़ी प्लांट नीचे भी लगे हैं, और देखिए इधर क्रिसेंथियम है सब, जिसको धूप ज़्यादा नहीं लग रहा था, तो धूप लगाऊंगी। और मैं इसमें जो फर्टिलाइज़र डाली हूँ इसमें तुरंत कलियाँ आएगा, देखिए अब
अब वेजिटेबल को भी धूप लगेगा और फ्लावर को भी धूप लगेगा। इधर सारा विंटर फ्लावर कर दूंगी क्योंकि इसको काफ़ी धूप का ज़रूरत है। देखिए हमेशा कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है और 2 घंटे से कम नहीं लगता है। लेकिन आप लोग वीडियो को लाइक कमेंट बिल्कुल नहीं करते हैं, कहीं भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं अपने शौक़ से करती हूँ, शौक़ पाले हैं तो करती हूँ, क्योंकि अब तो मैं फ्लावर के बिना एक दिन भी नहीं रह सकती हूँ। देखिए ये बच्चा लोग डाल तोड़ के और फिर इसमें रख दिया है। बहुत कुछ फेस भी करना पड़ता है लेकिन क्या करें, फेस शौक है तो उसको कर रही हूँ। आप लोग रामायण के चौपाई सुन के भी एक लाइक नहीं करते हैं, इससे आदमी मोटिवेट होता है। थोड़ा सा कमेंट अच्छा करना चाहिए, लाइक करना चाहिए। लेकिन मैं ये भी नहीं बोलूँगी, ये आप लोग के मन के ऊपर है। लेकिन इस पौधे के ग्रोथ से देख सकते हैं कि मैं कितना केयर करती हूँ और कितना ध्यान रखती हूँ पौधा का। देखिए और साफ़ सफाई तो मैं डेली ही करती हूँ। इस कटिंग को भी मैं फेंकूँगी नहीं, लगा दूँगी, कहीं बड़ा कटिंग है। अब देखिए इसमें धूप भी लगेगा और साफ़ सफाई डेली करना पड़ता है फ्रेंड्स। देखिए क्योंकि हमारे पौधे का मिट्टी भी गिरता है गमला से, तो मैं एक भी मिट्टी को नहीं फेंकती हूँ। अब देखिए मेरे सारे पौधे में वेजिटेबल में धूप लगेंगे और यहाँ पर मैं पम्पकिन को रखूँगी, कद्दू को अभी पानी डालूँगी। देखिए सब मुरझाए हुए हैं और देखिए कैसे फ्रूटिंग इसमें हो रहा है। इधर 40-50 टमाटर मैं तोड़ी थी एक दिन और देखिए फिर इतना लगे हुए हैं, तो अभी पकने के बाद तोड़ूंगी। बहुत अच्छा लग रहा है गार्डन। और आप लोगों को कैसा लग रहा है लाइक करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।